हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर चित्ररेखा तिवारी, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम एसआरटी कॉलेज. टुडेज टॉपिक इज़ डिटेक्शन ऑफ हार्डनेस. पानी के अंदर जो हार्डनेस प्रेजेंट होती है उसको हम किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं, कौन कितनी प्रकार की मेथड्स होती हैं, ये देखने के लिए ही मैंने आपको इस लेक्चर में जो स्लाइड्स हैं बनाई. तो हमारे पास अगर देखा जाए तो डिटेक्शन करने के तीन मेथड हैं. पहला नंबर है हमारे पास ओहेनर मेथड है, और ओहेनर मेथड के अलावा जो है हमारे पास है सोप टाइट्रेशन मेथड होती है नेक्स्ट, एंड थर्ड इज ईडीडीए मेथड और अल्कलिनिटी मेथड होती है. तो हम सबसे पहले ये मेथड ले लेते हैं जिसमें हम व्हेन सैंपल वाटर रिएक्ट्स विद द, अगर सैंपल वाटर देखते हैं तो उसमें टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है बिफोर बॉइलिंग जो होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इस फॉर्म में प्रेजेंट होती है. जब हम इसे बॉयल करते हैं तो यही जो हार्डनेस है ये कार्बोनेट हार्डनेस में आफ्टर बॉइलिंग हमको मिल जाती है. तो मैंने कैल्शियम के और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, दे आर कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स. सो इस फॉर्म में ये हमें प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं और जो CO2 हो जाती है वॉल्व हो जाती है. जो प्रेसिपिटेटेड जो कार्बोनेट है ये हमको स्लज के फॉर्म में मिलती है. अब दूसरा है हमारे पास अल्कलिनिटी मेथड है, और इस मेथड को अगर हम देखते हैं तो इस अल्कलिनिटी मेथड में हम अल्कलिनिटी ऑफ वाटर सैंपल को डिटेक्ट करते हैं कि उसमें कितना अल्कलाइन है वाटर, मतलब कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या फिर कार्बोनेट ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है या बाइकार्बोनेट ग्रुप प्रेजेंट है. तो पानी के अंदर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट साथ ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो अल्कलिनिटी जो होती है पानी की इंक्रीज हो जाती है. अगर ये बैलेंस फॉर्म में रहती है अल्कलिनिटी तो उसे डिटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसीलिए हम सबसे पहले अल्कलिनिटी मेथड के लिए हम क्या करते हैं, 100 ml वाटर लेते हैं वेपराइट अप टू ड्राइनेस. उसके बाद 50 ml उसके अंदर ऐड कर देते हैं वाटर, और हम 50 ml वाटर जो लेते हैं उसे फिल्टर वॉश करते हैं, टाइट्रेट करते हैं विद द 50 ml ऑफ HCl माने एसिड के साथ उसे टाइट्रेट करते हैं. हम इसे पिपेट आउट करेंगे और टाइट्रेट कर सकते हैं HCl के साथ, तो हम अल्कलिनिटी इसके अंदर डिटेक्ट कर लेते हैं. अल्कलिनिटी डिटेक्ट करने के लिए हम फॉर्मूला लेते हैं N1µn इज इक्वल टू N2V2, और उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर रख कर हम अल्कलिनिटी को डिटेक्ट कर लेते हैं. हाइड्रोक्सिल आयन अल्कलिनिटी के कारण कितनी अल्कलिनिटी है या फिर कार्बोनेट आयन के कारण कितनी अल्कलिनिटी है, अगर दोनों के कारण प्रेजेंट है तो हम उनको लेकर प्लस करते हैं और टोटल अल्कलिनिटी निकाल लेते हैं. अब अल्कलिनिटी अकॉर्डिंग टू आयंस 5 types की होती है, कार्बोनेट ड्यू टू कार्बोनेट, ड्यू टू हाइड्रोक्सिल आयन, ड्यू टू बाइकार्बोनेट. 2 types ऑफ कॉम्बिनेशन मिलता है, एक हाइड्रोक्सिल और कार्बोनेट का और एक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का. तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट दिस इज डिस्कार्डेड, इसको हम नहीं निकाल पाते हैं. अब नेक्स्ट है सोप टाइट्रेशन मेथड. जैसे कि आप जानते हैं घर में व्हेन एनी सोप रिएक्ट्स विद द वाटर और हार्ड वाटर सो दिस इज प्रोड्यूस लेदर. अगर वो लेदर प्रोड्यूस करता है तो सॉफ्ट वाटर है, डू नॉट प्रोड्यूस लेदर सो दिस इज हार्ड वाटर. जब कोई भी सोप आपके हार्ड वाटर से रिएक्ट करती है माने दिस रिएक्ट्स विद द, जो हार्ड वाटर में क्या जुड़ा घुला हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तब ये क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा सोप से तो C17S35COONA दिस इज सोडियम स्टीयरेट. व्हेन सोडियम स्टीयरेट और सोप और फैटी एसिड रिएक्ट्स विद द मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर हार्डनेस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हार्डनेस जो पानी के अंदर घुली हुई है उससे रिएक्ट करता है तो बनता है मैग्नीशियम स्टीयरेट. सो दिस इज द प्रेसिपिटेट. ये क्या है, प्रेसिपिटेट है. हम इसे प्रेसिपिटेट आउट कर लेंगे जो इस कम के फॉर्म में दिखाई देगा और फिल्टर कर लेंगे. स्लज है, NaCl यहाँ वॉशिंग की तरह होता है जिसे हम फिल्टरेट है, जिसे हम फिल्टर करके अलग कर देंगे. नेक्स्ट मेथड है EDTA. EDTA इज द बेस्ट मेथड. EDTA इज अ केमिकल, दिस इज अ चीलेटिंग एजेंट, दिस इज कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट. इसकी टेंडेंसी है चीलेट बनाने की, कॉम्प्लेक्स बनाने की. इसलिए EDTA जो है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो पानी के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोराइड, इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, दीज आर रिएक्ट्स विद द इरिक्रोम ब्लैक टी. इरिक्रोम ब्लैक टी इज द इंडिकेटर. जब ये हार्ड वाटर इरिक्रोम ब्लैक टी से रिएक्ट होता है
तो कैल्शियम और मैग्नीशियम इरिक्रोम ब्लैक टी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जो कि एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। और ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स ईडीटीए से रिएक्ट करता है। ईडीटीए जब इससे रिएक्ट होता है तो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कैल्शियम मैग्नीशियम ईडीटीए है। और साथ में इरिक्रोम ब्लैक टी जो है वो फ्री स्टेट में अवेलेबल हो जाता है। सो दिस इज़ ये इसमें एक्यूरेसी होती है, इसमें आसानी से हम डिटेक्शन कर सकते हैं कलरेशन प्रेजेंट होता है, क्योंकि एट द एंड पॉइंट हमको यहाँ पे क्या होता जो है कलरेशन के थ्रू हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे पास स्काई ब्लू कलर, और मतलब हम EDTA मेथड को ही सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके अंदर एक्यूरेसी होगी। थैंक यू सो मच।